जैसे हो तुम आलस्तार, मैं तुम्हारी बहन हूं मरिया मनोले। क्या मुझे भूल गए तोमा? याद है अपने पिता भाई भाई थे, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम तो रास्ते के मुसाफिर बन गए हो, सैलानी हो गए हो। मिलकर खुशी हुई बहन मारिया। अपने दादाजी वासी ने मरने से पहले कई दिनों तक तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने तो कई भेड़ों की तुम्हारे नाम वसीयत की थी कि तुम आकर उन्हें संभालो। उस तरफ इतनी बरखा होती है कि दिल बुझने लगता है। दादाजी ने तो अपनी पहाड़ी भी तुम्हारे नाम पर कर दी थी। मेरे नाम वो पहाड़ी? मैं उस पहाड़ी को क्या करता, उसे गाड़ी से बांधकर क्या दुनिया भर में घसीटता फिरता। शुक्रिया दादाजी का, बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी का। रात मैंने एक सपना देखा। मेरे पास एक अजीब सा बौरा आया, वो डरावना था। उसने हुक्म दिया, झुक जाओ तो मालिस्तार। मैं झुक गया, वो बौना भी झुक गया और उसने कहा, झुको तो मालिस्तार और नीचे झुको। वो मत्तर चिल्लाया, बोला झुक जाओ और नीचे झुक जाओ तुम आलिस्ता। मैंने फिर उसका कहना मान लिया। उसने फिर दबंग आवाज में हुक्म दिया, नीचे और नीचे झुक तुम आलिस्ता। उसमें ताकत नहीं थी, फिर भी झुका और नीचे झुक गया। लेकिन मैं इतना थक गया कि मेरे लिए और झुकना असंभव था। सोचा वो मुझ पर रहम करेगा, कहेगा सीधे खड़े हो जाओ, कमर सीधी करो, एक बार अपने आसपास नजर दौड़ा लो। लेकिन उसने तो दम भी नहीं लेने दिया और चिल्लाया, और झुक जाओ, झुको तुम आलिस्तार और नीचे नीचे। मैं झुक गया, झुकता गया, झुकता गया, जब तक जमीन के नीचे नहीं पहुंच गया। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया था, काला घनघोर अंधेरा, उदास काला घनघोर अंधेरा। सुंदर मछलियां हैं, देखो। कमाई तो काफी हुई है, पर ऐसा कभी कभी ही होता है।
बहुत बुरी बात है। हाँ, बुरी बात क्या है तोमा? जरा याद तो करो, जो कमाई अब के हुई है इतने सालों में कभी नहीं हुई। जल्द ही जरूर कोई आफत आने वाली है, मेरा मन कहता है। हाँ, द्रागोमीर और बेलकू गए तब उन पर आने वाली आफत का तुम्हारे मन को कोई पता नहीं चला। पता चला, लेकिन मैं कैसे रोकता, वो तो जाने पर तुले थे। क्या हुआ तो? मुझे सर्दी लग रही है। ये लो तुमा, कितनी रकम है देखो तो सही, ये तुम्हारा हिस्सा है। इससे क्या देखना है, आज तक की जिंदगी के दौरान मेरे हाथ कितना आया और गया है। हाँ? क्यों, तुमने भी तो देखा है ना। देखा है, शायद राजा साहब ने दिया होगा। जाने दो वो बात, पर एक बात जरूर याद रखो, मेरी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाने जब मेरी कब्र पर आओ तो वो ही धुन बजाना जो तुम्हें सिखाई है। इसमें हम सबके कर चुकाने की रसीद है, 2 साल का कर चुका दिया है मैंने, कागजात मेरे नाम पर हैं, देंगे, इसे रख लो, अगर तुम्हें दिखाना पड़े तो कह देना तुम ही तो मालिस्तार हो। जी अच्छा, लेकिन ऐसी बातें क्यों? याद रखो, इस पर तारीख नहीं है, जरूरत पड़े तो खुद ही डाल लेना। समझ गया, डाल दूंगा। कागजात उसके पास क्यों दिए? क्या तुमने उसको सरदार बना दिया है? क्या वो सबसे होशियार है? हाँ भाई, होशियार है। ए, क्या तुम ज्यादा होशियार हो मुझसे? ये लोग तो आखिरी सिक्का भी छीन ले जाएंगे। ए दिंगे, तुम उन्हें रसीद दिखाना, कहना अगले 2 सालों का कर भी चुकाया है। वो नहीं मानेंगे, रसीद पर तारीख नहीं। तो एक काम करो, अपने बाजों को छिपा दो। लेकिन इस लवतारी चोले को कहाँ छिपाओगे? भाई तोमा, जल्दी से पुरानी तरकीब करो, फौरन मोमबत्ती जलाओ तो ये मेहनत की कमाई बचाने का उपाय हो जाए। मुझसे कुछ मत कहो, मरने का शौक फिर नहीं होगा मुझसे। पागल, क्या सारी जिंदगी मुझे मस्खरा बनाते रहोगे तुम लोग? बस आज आखिरी बार खेलो तो माँ, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, फिर एक बार खेलो ना वही पुराना नाटक, मेरी मानो, जल्दी करो तो माँ। ठीक है, लाओ मोमबत्ती। अच्छा, नई वाली लाना। हाँ हाँ, अभी लो। अरे अंदर कोई है? तुम पीछे जाकर देखो उधर कौन है। जी हुजूर। तुम में से केवट कौन है? थोड़ी ही देर में आ जाएगा केवट। ना भाग जाओ तुम। हम लोग भी पास जाने के लिए केवट की राह देख रहे हैं। जानते नहीं आखिर ये दुनिया गोल है, तुम्हें जरूर कहीं देखा है, वही शक्ल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दो मालिस्तार के ही साथी हो। हाँ, हम सब लोग तो मालिस्तार के साथी थे, लेकिन वो तो मर गया है सरकार। तुम मुझे इस तरह बनाने की कोशिश मत करो, तुम लोगों की सब चालें जानता हूं मैं। ये पहले भी एक बार मरा था ना, इसे
से अब कौन सी बार मौत आई है? पहले मुझे गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। अब बताओ कब मुलाकात हुई? शायद तुम भूले होगे कि पिछले साल बुद्जास्की के मैदानों में मिले थे। मेरा नाम है एरमुरादी, लेफ्टिनेंट एरमुरादी, लेकिन मैं नहीं भूला। उस वक्त कर का भुगतान किए बगैर मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन आज वैसा मौका हासिल नहीं होगा। जानवरों से बेहया और बेगैरत हो तुम लोग। याद रखो, मेरे आगे नहीं चलेगी बहानेबाजी। इसे भी जिंदा करता हूं। लगता है मर गया है। सच है सोफ्रॉन, वो मर गया है। आखिर बला टल गई, आज का चुकान से तो छूट गए। वो चले गए दादा। अच्छा उल्लू बनाया, नाटक रंग लाया, उठो मौज करेंगे। अब उठ जाओ तुम। दादा तुम दादा क्यों नहीं बज रहा है? पैसे तो हमने पहले ही दिए हैं, जरूरत हुई तो हम और भी देंगे। पादरी नहीं आएगा, उसे घृणा है, कहता है बेईमान है लौतारी, भगवान को भी उनसे नफरत है, इसलिए तुम्हारा काम वो नहीं करेगा। अगर और रकम दोगे तो मैं ये काम कर दूंगा। वो एक लौतारी की है। क्या वो? उसे तो अच्छी तरह जानता हूं कि चार चार पिस्तौलों से खेलता रहा सारी जिंदगी। राधु निगोस्तीन एक भयंकर डकैत था, उसने कई हत्याएं की। क्या राधु निगोस्तीन ने? लगता है इतना काफी होगा। क्यों, ठीक है ना? डाकू लुटेरा हो या लौतार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हे दयामय प्रभु, जग के तारनहार, तोमा की आत्मा को शांति देना। चुप रहो। कहो तोमा की याद सदा अमर रहे, तोमा का संगीत सदा अमर रहे। संगीत अमर है, नाम अमर है, कीर्ति अमर है, तोमा अमर है, सदा अमर रहेगा। अमर है तोमा लिस्तार। Hey!
देखो हंगेरी के बंजारे आए हैं, उन लोगों के पास बड़ी रकम होगी, वो डाक भी लाए हैं काको वहां से। तुम बहुत सोए, अब उठो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, उठो। तुम साथियों को लेकर पहुंचो और कब्जा करो। भगवान तुम्हें खुश रखे, मैं भविष्य बताती हूँ। देखो जरा तुम्हारा हाथ मेरे प्यारे, बड़े दुखी लगते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें खास उपाय बताऊंगी और आगे का भविष्य भी कहूंगी। मैं नहीं ले, ये उतरन तुमने कहाँ से पाई है? 3 सिक्के देकर मैंने खरीदा है। तुम तो आधे पोपट और आधे फौजी जनरल लगते हो, तुम्हें देख लोग जल के कबाब हो जाएंगे। भाइयों सब इस तरफ आ जाइए, आइए आइए आइए। देखो कैसा अनोखा लुभावना सौंदर्य है बंजारे। सुमर में भी खूब है।